सुम्बुल तौकीर एक बार फिर से फैन मोमेंट के साथ नजर आई हैं। सुम्बुल लखनऊ, कानपुर, ये लोग इन एरियाज में शूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब यूपी साइड ये कह सकते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं जो आसपास के एरिया से आते हैं, उनको जब भी मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं सुम्बुल के सेट पे, और पूरी अपडेट के साथ हैं वो भी, तभी पहुंच पा रहे हैं जहाँ सेट है वहाँ पे, वहाँ जा रहे हैं सेट पे और सुम्बुल से मिल रहे हैं, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम तो खैर क्या ही स्पेंड करेंगे, क्योंकि सुम्बुल के पास खुद ही टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए, मतलब उनको, उनके पास ये कह सकते हैं कि खुद के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो शूट्स में इतना ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन फिर भी फैंस को वो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। अगर फैंस उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो उनसे मिल रही हैं, भले ही वो एक दो तीन चार पाँच मिनट के लिए ही मिल रही होंगी, लेकिन वो मिल रही हैं, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं। और इस तरीके से एक बार फिर से सुम्बुल तौकीर की एक और पिक्चर उनके फ़ैन के साथ आई है, जिसमें वो पिंक कलर के सूट में नज़र आ रही हैं, और ये वाला सूट उनके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। तो इस तरीके से कि फ़ैन मोमेंट सुम्बुल का खूब हो रहा है, और मज़ा आ रहा है सुम्बुल तौकीर को देख के कुल मिला के। हालाँकि सुम्बुल की अपडेट कल से थोड़ी कम आ रही है, मे बी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर जो वहाँ के स्टाफ भी हैं, जो लोग कुछ कुछ कभी कभी वीडियो शेयर कर दिया करते हैं, कल से उनका भी बिल्कुल वीडियो आना बंद हो चुका है। तो इट मींस कि वो लोग बिज़ी चल रहे हैं, यानी कि स्केड्यूल और भी ज़्यादा टाइट हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पे 10 दिनों का ही शूट है, तो 10 दिनों के अंदर अंदर ही ये लोग जितना शूट कर सकते हैं उतना कर लेंगे, उसके बाद वापस फिर इन लोगों को मुंबई आ जाना है, और मुंबई आके फिर यहाँ जो फिल्म सिटी में ये शूट करते हैं वो शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आप सुम्बुल तौकीर को एंजॉय करिए और इंतज़ार करिए 25 तारीख का, क्योंकि 25 तारीख से उनका शो स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे सोनी टीवी पे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।